नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। दोस्तों चलिए आज एक अपन नए और मोनूमेंट देखेंगे। ये है मंगलपेट दरवाज़ा। दोस्तों ये देख रहे हैं आप मंगलपेट दरवाज़ा। इसके दो बड़े बड़े 30 फीट के लंबे खड़े दरवाजे आप देख रहे हैं। इनकी शीट लोहे सी बनी हुई, अंदर शीशम की लकड़ी या सागवान की लकड़ी का प्रयोग, ताकि लकड़ी खराब ना हो, इसलिए दीमक और कीट ना लगे उसे, इसलिए शीशम या सागवान की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये दरवाजे पे मोटे मोटे खीले, जो ताकि कोई दुश्मन अपने हाथी सेना के बल से इस दरवाजे को तोड़ ना सके, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इतनी मजबूत शीट आज भी देखिए, इस कमान कितनी स्वच्छ और कितनी सुंदर दिख रही है। ये छोटा सा दरवाजा, जो दरवाजा बंद होने के बाद फिर अगर कोई छूट जाता था नागरिक, तो उस दरवाजे से अंदर की ओर लेते। ये देखिए दोस्तों, ये किले का बाहर का हिस्सा, जो खंदक कम से कम 100 फीट नीचे, लेकिन अब उतना नहीं है क्योंकि इसमें कचरा धूल मिट्टी गिरने से कम हो चुकी है। अभी सिर्फ इसमें थोड़ा सा पानी और घास उगी हुई है। ये ऊपरी ओर गोल जैसी डोम, जिसपे तोपे रखा किया करते थे दोस्तों, मजबूत दीवार। इसका आकार एस शेप में है। यस यानी इंग्लिश वर्ड में जो एस होता है उस प्रकार है, ताकि दुश्मन सीधे आक्रमण ना करे दरवाजे पे। आक्रमण पहले इस प्रकार होता था, तोप के गोले, दौड़ते हुए हाथी और बड़े लकड़ी के टहने से तोड़ा जाता था। वो प्रहार तेजी से ना हो, इसलिए इस प्रकार के आकार बनाए जाते थे। लॉ ऑफ फोर्स उस पर एक्टिवेट ना हो। ये देखिए खंदक जिसमें पानी भरा हुआ है, और इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ और पानी के जानवर छोड़े जाते थे, ताकि कोई वो खंदक का पानी काट कर दीवार से ऊपरी ओर ना चढ़े। ये देखिए दीवार पे बड़े बड़े पत्थर से बनी हुई, काले पत्थर से बनी हुई दीवार। इसमें एक मिराब यानी सुराख जैसी चीज होती थी, जिसमें से दुश्मन को देखा जाता था और अपने हथियार द्वारा, जैसे भाला, तीर कमान, तोप के गोले, इस तरीके से प्रयोग किए जाते थे, दुश्मन पर आक्रमण किए जाते थे। ये देखिए नानी और दादी की पूजा, जो फोड़ा फुंसी होता है उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। तेल और सिंदूर वहाँ पे लगाते हैं, फिर बाद में वही तेल सिंदूर जिस फोड़ा फुंसी पे लगाया जाता है वो कम होता है। ये नानी दादी के नुस्खे हैं। ये देखिए कमान किस तरीके से मोड़ है, काले पत्थर से बनी हुई, मजबूत, टिकाऊ। बहमनी सुल्तानत के द्वारा बनाई गई है। इस दीवार पर काफी छोटे छोटे और बड़े बड़े सुराख हैं, जो पहरेदार यहाँ रहते थे। वो अगर दुश्मन आए तो दरवाज़ा बंद कर उस पर हथियारों से हमला करने के लिए आता। दरवाजे के बाजू में दो बड़े बड़े कमान हैं, जहाँ पे दरबान लोग बैठ कर पहरा दिया था। शाम के वक्त किसान लोग या गांव के लोग बाहर चले जाते थे। सुबह के वक्त जाया करते थे, शाम के वक्त आया करते थे।
ये देखिए दीवार में बड़े बड़े सुराख, इतनी मजबूत शीट। पहरेदार ऊपर पूरा पहरा देते थे। इसके सीधे में आपको चौबारा नजर आएगा, चौबारा रोड भी कहते हैं उसे, जो चार रास्ते के बीचों बीच है, चारों तरफ से दिखाई देता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।